Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यहाँ पर आपको अपडेट करें, वजीर खजाना इसहाक डार पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वजीर खजाना इसहाक डार का सेहत जुर्म से इनकार, चार्जशीट जब पढ़कर सुनाई गई अदालत की जानिब से तो वजीर खजाना इसहाक डार ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। वजीर खजाना इसहाक डार पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार जिन पर आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस में आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि फर्द जुर्म आयद होने के बाद ट्रायल का बाकायदा आगाज हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद, उनसे अपडेट लेते हैं। जी आसिफ नवीद, फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है, मजीद क्या पता चल सका है? आसिफ नवीद आप हमें सुन सकते हैं तो अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वजीर खजाना इसहाक डार पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। देखिए इस वक्त हमारे जराये का ये कहना है कि फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। जो अंदर इसहाक डार इस वक्त अंदर मौजूद है उन पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। और उससे पहले जिस वक्त हमारे जराये का ये कहना था कि जिस वक्त फर्दे जुर्म आयद करने के लिए इसहाक डार को अंदर बुलाया गया तो उनके वकील ने भरपूर मुखालफत की फर्दे जुर्म आयद करने के हवाले से, और उन्होंने कहा कि फर्दे जुर्म आयद ना की जाए। लेकिन उसके बावजूद अदालत ने अब से कुछ देर कबल इसहाक डार पर फर्दे जुर्म आयद कर दिया, और उन्हें जो उन पर रेफरेंस है वो पढ़कर सुनाया गया उन पर जो इल्जाम है। और इस वक्त तक जराये का ये कहना है कि फर्दे जुर्म आयद कर दी कि क्या प्रोसीडिंग है, क्या बातचीत हुई, उससे मुकम्मल तौर पर लाइलम रखा गया है, ना सिर्फ मीडिया को, वकला हजरात को, जो आम लोग अंदर जाते हैं उन सबको। इस वक्त हमारी एक वकील से भी बात हुई तो उन्होंने, सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैं अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे रोक दिया गया, क्योंकि इस बार हमने देखा पहली बार कमरा अदालत को बाहर से ताला लगाया गया है। इस वक्त सिर्फ अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है, वाकी वुजरा जो यहाँ पर पहुंचे हुए लोग अंदर मौजूद है, इसहाक डार के स्टाफ मौजूद है, और जो उनकी वकला की टीम है, नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं, उसके अलावा कोई गैर मुतलका शख्स, हत्ता के अदालती अमला जो अंदर ड्यूटी पर मामूर होता है, जो जिनमें से कुछ लोग हमारे जराए भी होते हैं जिनसे हम अंदर की बात औकात खबरें लेते हैं, और वो लोग उन लोगों तक को अंदर से बाहर निकाला गया है। इसका क्या मकसद है, क्या वजूहत है? ठीक, आसिफ नवीद हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार जिन पर आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस में आज पर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। इस वक्त कमरा अदालत के हवाले से बताया जा रहा है कि बाहर से ताला लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके, और इसके अलावा जो मुतालिका लोग हैं सिर्फ वो अंदर मौजूद है। इवन के अदालती अमला जो है उसको भी अदालत कमरा अदालत में आने की इजाजत नहीं है, उसको बाहर से ताला लगा दिया गया है, जिसके बाद अंदर समाअत की कार्रवाई। आपको अपडेट करें कि वजीर खजाना इसहाक डार पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है, चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई जिस पर वजीर खजाना इसहाक डार ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। चौथी समाअत है, इंतहाई अहम समाअत। इससे पहले जब तीसरी समाअत हुई अदालत ने पिछली समाअत जो कि 25 सितंबर को हुई थी, मुलजिम को 23 जल्दों पर मुश्तमिल रेफरेंस की कॉपी फराम करके वसूली की रसीद पर दस्तखत कराए थे, और उसके बाद जल्दें वसूल करने के बाद इसहाक डार के वकील की जानिब से इस्तदा की गई थी कि तकरीबन 7 दिन हो जाएं ताकि इनका जायजा लिया जाए, लेकिन इस इस्तदा को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था, और आज की समात जो है वो कंफर्म कर दी गई थी, आज की डेट दे दी गई थी। उसके बाद आज समात हुई है जिस पर वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार पर आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस में फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। हमारे साथ एक दफा फिर मौजूद है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा। जी शौकत पराचा, फाइनली फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार पर। जी हाँ, मैं कुछ देर तक यही बात आपसे कर रहा था कि आज की जो इंडाइटमेंट होनी है, फर्द जुर्म आयद होनी है, वो यही होगा कि अदालत अब चार्जशीट पढ़कर सुनाएगी कि ये इल्जाम है आप पर, और इस केस में आमदनी से बढ़कर 18,000 इकट्ठे करने का, प्रॉपर्टीज बनाने का इल्जाम है फिर, और यही था, यही होना था कि वजीर खजाना इसकी डिनाइल करते, यानी सेहत जुर्म उसको कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, उससे इनकार करते, और वही हुआ अब। यानी फॉर्मली ये जो ट्रायल है ये अब शुरू हो जाएगा ये ट्रायल, और जो प्रोसीडिंग्स एविडेंस या दलायल या जो कुछ मटेरियल आएगा अदालत के सामने वो उसके मुताबिक ये मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है।